सरकार का हमारा सांसद हो जो हमारी बात को सुने, नौजवान की बात को सुने, बुजुर्ग के मान सम्मान की बात करे और हमारे इस इलाके में विकास के काम करे, इस प्रकार का समय आपके बीच आया है। साथियों, हमने हर 5 साल वोट डालने का काम करते हैं। पिछले 2 बार से जिनको यहाँ वोट डाला उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद 5 साल बाद में ही आप लोगों से कई दर्शन लाभ हुए। अभी जो प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं ये भी हरियाणा से भेजे आपके बीच में, ये प्रत्याशी 12 साल से सांसद रहे और 5 साल केंद्र मंत्री रहे। अगर अलवर के अंदर, अमितपुर गांव के अंदर, किसी ढाणी के अंदर, किसी अपने मिलने वाले का, किसी रिश्तेदार का, किसी का भी अगर एक काम किया हो तो मैं जिले में तो आकर के बतावे। आज तक तो मुझे घूमते 15 दिन हो गए, एक व्यक्ति मुझे मिला नहीं जिसने मुझे ये कहा हो कि भाई मेरा काम तो उसने किया है। साथियों, मैं पूरे जिले में घूम करके आया हूँ, लेकर के राजगढ़, रामगढ़, तमाम पूरे जिले में, इवन तिजाराम जाकर के आया हूँ। जिस प्रकार की भावना चुनाव लोगों की बनी है, जिस प्रकार से लोगों ने चुनाव मन बनाया है, जिस प्रकार से लोग इस चुनाव के अंदर स्वतः चुनाव को लड़ रहे हैं, वो केवल इस बात को सोच के लड़ रहे हैं कि भाई इस बार ये चुनाव अलवर जिले के 36 कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। इसमें कोई पार्टी का चुनाव नहीं, कोई जाति का चुनाव नहीं, कोई धर्म का चुनाव नहीं। आप बताइए कि आपके बीच में हमारे अलवर जिले के अंदर कोई प्रत्याशी बीजेपी को नहीं मिला और ये बाहर से लेकर के आए। मैं तो अभी आप सबके आशीर्वाद से 3 महीने पहले आप लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भावना थी मेरे साथ, उससे मुझे उन्नाव जनता ने 36,000 वोटों चुनाव जिता करके भेजा था। मैं तो प्रथम दृष्टि में शुरुआती दौर में मैं तो मना कर रहा था चुनाव, आप देख लो कोई दूसरा कोई व्यक्ति हो तो। पार्टी ने सर्वे कराया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका भी कि जिस सर्वे हुआ उस सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया। सर्वे तो मेरी वकालत के लिए करी तो बैरवड़ के लोगों ने करी कि दलित को टिकट दे दो, हम चुनाव चुनाव जिता कर भेजेंगे। भावना ने टिकट दिया। साथियों, अब 19 तारीख को आप सबको ये फैसला करना है कि 19 तारीख के बाद कौन व्यक्ति होगा जो आपके दुख सुख में शामिल होगा, कौन व्यक्ति होगा जो आपकी बात करेगा, कौन व्यक्ति होगा जो नौजवान की, किसान की, गरीब की, मजदूर की पीड़ा को समझ करके हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत उसकी विकास करेगा, कौन व्यक्ति होगा जो नौजवान के रोजगार की बात करेगा, कौन व्यक्ति होगा जो किसान के पानी की बात करेगा। इस प्रकार का आपको समय आपके बीच में आया। साथियों, आप सबने देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है, 10 साल से राज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ रहा है। 10 सालों में अगर अलवर जिले कुछ मिला हो तो मुझे बताओ आप। ये तो कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, लेकिन 10 साल में हमारा अलवर जिला, हमारा बहरोड, हमारा मुंडावर, हमारा किशनगढ़, तिजारा, सबके सब विधानसभा क्षेत्र जो है विकास को लेकर के महरूम रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं भूपेंद्र जी के लिए, लेकिन भूपेंद्र जी ने आज तक किसी को कोई न्याय मुझे तो कोई मिला नहीं। पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले में एक बात की लहर चली, हम लोग राजगढ़ रामगढ़ में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिले, उन्होंने आके मुझे कहा कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, हम बीजेपी के वर्कर हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम अपने आदमी को वोट देंगे, अलवर के आदमी को वोट देंगे, नौजवान को वोट देंगे, हमारी बात सुन सके। बाहर का व्यक्ति भूपेंद्र हरियाणा से आता है, चुनाव के बाद जब मिलेगा नहीं, चलेगा यहाँ और खादा काम में जाएगा, हरियाणा में करेगा, हमारे किस काम का आया। तो आप सब लोगों से निवेदन मेरा यही है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके आप सब लोग आने वाले 19 तारीख तक आप सब लोग घर से निकल करके कोई यारे प्यारे मिलने वाले से बात करके और इस चुनाव में आशीर्वाद देने का काम करो। मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा 19 तारीख को वोट के आशीर्वाद से आपके भाई को, बेटे को ताकत मिलेगी। विश्वास आप सबको दिलाता हूँ इस बात का कि आपके बीच रह करके, आपके कंधे से कंधा मिला करके, नौजवान से बात करके और यहाँ विकास से काम करने काम करूंगा। आपके यहाँ की पीड़ा को, यहाँ की परेशानी को, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत जाने के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये बात आप कहने के लिए आप बीच आया हूँ। साथियों, मेरे घर में कोई MLMP नहीं रहा, मैं कोई बहुत बड़े राजपाट के घराने से नहीं आता हूँ। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं और खेती किसानी करने वाले लोगों को अगर पार्टी ने अवसर दिया है तो निश्चित रूप से कोई किसानी करने वाला व्यक्ति सांसद बनकर जाए तो निश्चित ही वो किसान की बात करेगा। आप सबों के बीच में आपने देखा कि जिन लोगों ने टिकट पार्टी से मांगा और खूब बार पार्टी ने टिकट भी दिया, आपने उनको आशीर्वाद भी दिया,
दो दो बार आपने विधायक एमपी बनाया और जब आपके राष्ट्र के नौजवान का नंबर आया, आपके अपने भाई का नंबर आया, आपके अपने परिवार सदस्य का नंबर आया, तो किस प्रकार से एक ही मिनट में फैसला करके और जो 40 साल का कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ उसके जो काम किया, एक मिनट में रास्ता बचा करके बाहर के व्यक्ति के साथ चले गए। मेरा निवेदन आप सबसे है, वो लोग आएंगे घड़ियाली आंसू बहाएंगे, क्योंकि वो ये बात कहेंगे हमारी चिंताओं पे है, हम लोग पार्टी छोड़कर के आ गए और जिले ने इस बात का मन बना लिया कि कांग्रेस को वोट देंगे, हमारे अपने आदमी को वोट देंगे। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार आप सब लोग मेहरबानी करके अपने भाई को आशीर्वाद देना। तो विश्वास आप सबको दिलाता हूँ कि उन्होंने 40 साल में सेवा नहीं की होगी, आपका बेटा 5 साल में आपकी सेवा करेगा, उससे फालतू सेवा करेगा। साथियों, बहुत हमें 2 घंटे पहले लेट हो गए, कहने के लिए बहुत सारी बातें मेरे पास में है, लेकिन मैं तो एक ही बात आप सबसे कह रहा हूँ कि बड़े बड़े की बात कर रहे सब लोग, मैं जा रहा हूँ कि वो सब लोग कहते हैं बड़ा आदमी, बड़ा आदमी कोई नहीं है। अगर लोग